आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू में। ये जो है मैथ का प्रैक्टिकल है, 10th क्लास का NIOS का, तो उर्दू में बना हुआ है माशाल्लाह, और आप सबके लिए तैयार किया गया है। इसके उनवानात यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला उनवान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां उनवान। तो ये आपको बनाना है पहले इंडेक्स, फिर उसके बाद सरगर्मी है, यहाँ से शुरू। ये प्रैक्टिकल फाइल का फर्स्ट पेज पे आपको लगाना है, ठीक है। इसको आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैं आपको, अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप ले लीजिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो है ये मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आप PDF की शक्ल में होगा या फ़ोटो की, आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो पहली सरगर्मी है, उनवान है, इस बात की तस्दीक करने के लिए कि दो मुतवरों में एक लकीरी मसावात को लामहदूद हल है। अब यहाँ पे मौके में मुंतजे मंजर का हल, हल के मानी ग्राफ पेपर पर लाइन पॉइंट्स, ग्राफ पेपर पर खींचने की लाइन पर मार्क पॉइंट नुकात को पढ़ना। मकासद क्या है इसके? इस सरगर्मी को अंजाम देने के बाद सीखने वाला ये जाहिर करने के काबिल हो जाएगा कि मुतगैरात में एक लाइन प्रेजेंगे लामहदूद तादाद में हल होते हैं। इसके बाद जो है दरकार मवाद, इसको करने के लिए क्या दरकार है? चमकदार कागज़, सुर्ख स्केल, पेंसिल और ज्योमेट्री आलात। ग्राफ पेपर सरगर्मी की तैयारी, यहाँ पे लाइज मसावात पर गौर करें। पॉजिम के दो तारुफात में AX प्लस BY प्लस C1 की मिसाल के तौर पर 2X इकबल Y इकबल 6 तरबीज शुदा को एक तरतीब हल करें। XY को जो दी गई है वेरिएशन को पूरी तरह करती है। उसके बाद यहाँ पे ये बॉक्स बना दीजिएगा और इस तरह ग्राफ पेपर पर खींचें, जबकि नीचे गए तस्वीर पर देख सकें। तो ये आप इस तरह से बना लेंगे ग्राफ कॉपी पे, मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये इस तरह से ग्राफ कॉपी पे आप बना लेंगे, ठीक है। और एक और ये भी है पीछे, इसे भी देख लीजिए, ये भी आपको ग्राफ कॉपी पे बना लेना है। उसके बाद जो है भाई मुजाहरा और इस्तेमाल, इसके बाद है मुजाहरा और इस्तेमाल। कोई भी दूसरे तीन नुकात, यहाँ पे लिखा हुआ ABC, खींची गई लकीर पर जेली दी गई मसावात, पॉइंट्स को ऑर्डिनेंट्स यहाँ पे ले रखा है, और यहाँ पे इसे सॉल्व करा। नतीजा आप मुशाहिदा कर सकते हैं, तीन पॉइंट्स ABC में हर एक की दी हुई मसावात मुतमईन, मसावात का RHS इक्वल है LHS के बराबर, ठीक है। इसके बाद जो है सरगर्मी नंबर दो शुरू हो जाती, पेज नंबर डालते हुए चलिएगा, उससे जो है मुकालता नहीं लगता, गलती नहीं होती। तो उन्होंने दो मुतगैरात के निज़ाम में लकीरी मसावात की मुस्तकिल मिजाजी की शर्त तलाश करना। मौका पस मंजर का ग्राफ पेपर पर पेंटिंग या पॉइंट मकासद, इस सरगर्मी को अंजाम देने के बाद लेव लकीरी मसावात के निज़ाम की शराइत को तलाश करना और मुजाहरा करने के काबिल हो जाए, ताकि हल न होने पर लेंसेज और सॉल्यूशन हमें हासिल कर सकें। इसके बाद जो है भाई ये मवाद दरकार, ग्राफ पेपर, स्केल, पेंसिल, ज्योमेट्रिकल आलात। सरगर्मी तीन पॉइंट्स यानी लीव मसावात की दो मुतगैर, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है पहले जोड़े की मसावात और डॉक्टर पर गौर करें, और दोनों डॉटर पर गौर, मसावात पर एक तरतीब शुदा जोड़े के काबिल XY हासिल। तो यहाँ मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं। अगले पेपर पे इसको इस तरह से दोबारा आपको शो करना है ग्राफ पे, ग्राफ को भी हो तो अच्छी बात है, वरना इस पर शो कर दीजिए। एक और है पीछे, इसे भी देख लीजिए, थोड़ा सा इसे मैं जूम आउट कर देता हूँ, ताकि आपको जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर दिखे। इसके बाद जो है पेज नंबर मैंने डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्राफ पेपर पर दो मसावात का ग्राफ खींचें जैसा कि दी गई तस्वीर में दिया गया है। सीखने वाले देख सकते हैं कि मसावात की नुमाइंदगी करने वाली दो लाइन्स इस नुकता है ए पर आपस में मिलती हैं, और इसके लिए दोनों मसावातों का एक मनफूज हल यानी ये है।
लकीरी इम्तिजाज के दूसरे जोड़ों पर गौर करें और दोनों मसावतों पर हर एक के ये तरतीब शुदा जोड़े एक्स वाई की तरतीब हल करें। ये आप मिसाल देख सकते हैं। इसके बाद जो है भाई यहाँ पे ये लकीरें, ये बॉक्स दे रखा है, ये आप देख रहे हैं। फिर लिखा है ग्राफ पेपर पर दो मसावत का ग्राफ खींचें जैसा कि जेल में दी गई। सीखने वाले ये देख सकते हैं कि मसावत की नुमाइंदगी करने वाले दो लाइन एक जैसी, इत्तिफाकी लाइनों में बहुत से पॉइंट तादाद में लामहदूद मुश्तरक है और इसीलिए मसावत में लामहदूद तादाद में हल हो। लकीरी मसावत के तीसरे जोड़े पर गौर करें और हासिल। इन दो मसावतों में हर एक के लिए तरतीब शुदा जोड़ों के सिर एक्स वाई। इसके बाद जो है ये दसवा है, यहाँ पे ग्राफ बॉक्स है, यहाँ पे ये बॉक्स है। ग्राफ पेपर के तौर पर टेबल में दी गई तस्वीर में दिखाए गए एक प्रोडक्ट्स की ग्राफ बनाई गई। सीखने वाला है देख सकता है कि दो लाइन जो नुमाइंदगी कर रही हैं दोनों मसावत एक जैसी, इत्तिफाकन लाइन पॉइंट्स, लाइनों के पॉइंट्स होते हैं ला तादाद में महदूद है। इसके बाद जो है भाई अगला पेज है लकीरें मसावत के तीसरे जोड़े पर गौर करें और हर एक के लिए तरतीब शुदा जोड़ों की मैज एक्स वाई हासिल करें दो मसावत। तो यहाँ पर आप इस तरह इसको बना दीजिएगा, एग्जाम्पल हैं इसके, इनका ग्राफ बनाएं। चलिए जी उनको ग्राफ भी। इसके बाद जो है सीखने वाला महसूस करता है कि मसावत की नुमाइंदगी करने वाला लकीरी मुतवाजी यानी लाइनों में कोई नुक्ता मुश्तरक नहीं, लिहाजा दोनों मसावत का कोई मज़ाहिर और इस्तेमाल। इसके बाद यहाँ पे ये है और इसके बाद ये पूरा इस पे ग्राफ पे शो कर दिया गया। इसके बाद जो है अगली वो है लाइन, यहाँ पे दो लाइनों के एक दूसरे को और एक दूसरे से मिलने की शर्त हासिल करें, मुतवाजी ऊपर वाले जोड़ों से ए और बी के कदरों पे नतीजा आखस करें। वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये सॉल्व कर रखा है, तो आप देख लेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती हैं उसमें ए बी और ए वन ए टू इक्वल नहीं होता, यानी बराबर नहीं होता बी वन में। कोइंसिडेंट में तीनों बराबर होते हैं, अगर इसका भी आंसर 1/2 आया तो इसका भी 1/2 और इसमें। पैरेलल में ए बी बराबर होते हैं और लेकिन बी और सी बराबर नहीं होते, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। अगले पेज पे एक फ़ोटो है, ये देख लीजिए आप, फ़ोटो का प्रिंट निकलवा के पीछे चस्पा कर दीजिएगा। इसके बाद जो है सरगर्मी नंबर 3 है, उनवान दे रखा है शनाख्त की तस्दीक, यानी इसमें आपको क्या करना है, तस्दीक करनी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसके बाद यहाँ पे लिखा है मौका पस मंजर का, ठीक है, चौगर के इलाके यानी क्वाड्रिलेटरल मकासिद है। सरगर्मी को अंजाम देने के बाद सीखने वाला शनाख्त की तस्दीक और जाहिर करने के काबिल हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। मवाद की ज़रूरत, मुख्तलिफ रंगों के चमकदार कागज़, कैंची का जोड़ा, पेंसिल और ज्योमेट्री वाले आलात। इसके बाद भाई ये पीछे बना हुआ है, ये बना लेना या फ़ोटो क्लिक करके प्रिंट निकलवा लेना। अब इसके बाद सरगर्मी की तैयारी कैसे करनी है, इसमें लिखा है एक कटे के एक गत्ते की शीट में नीले कागज़ पर बनाए गए मुरब्बे जैसे चस्पा करें और साइड रब्बा उस मुरब्बे के एक दो बी बड़ा है ऐसे के तौर पर रकबे को पीले रंग के पहले इस पर और छोटे से मुरब्बे साइड को बड़े साइज के करें। मुजाहरा और इस्तेमाल, यहाँ पे दिखा रखा है किस तरह आप इसको जो है मुजाहरा करेंगे और किस तरह इसका इस्तेमाल। इसके बाद सरगर्मी नंबर 4 है, उनवान है इस बात की तस्दीक करने के लिए कि मुसलस के जाविये का मजमू 180 मुतवक्के पस मंजर का जाविये मुसलस जाविया मुसलस की तान। मकसद, इस सरगर्मी को अंजाम देने के बाद सीखने वाले तकदीक कर सकेंगे और जाहिर करेंगे कि मुसलस के जावियों का मजमू 180 जबकि दूसरे जावियों की पैमाइश दी जाए तो एक मुसलस के जावियों की पैमाइश मालूम करें। इसके बाद भाई ये बना हुआ है, ये बना भी सकते हैं और फ़ोटो क्लिक करके आप निकलवा सकते। इसके बाद है मवाद दरकार, रंगीन कागज, स्केल, पेंसिल, रबड़, गोंद, कैंची, सरगर्मी की तैयारी। ऑरेंज रंग के कागज़ को कार्ड बोर्ड एक मुसलस ट्रायंगल एबीसी एक मोटे सफ़ेद पेपर पर बनाओ, उस मुसलस की शक्ल में काट कर बोर्ड चस्पा कर। मुजाहरा और इस्तेमाल, जाविया ए बी सी ए सी बी और काटो और अन्य रंगों से
पर और शेड करो। नतीजा क्या है इस मुसलस, इससे साबित हुआ कि मुसलस के जावियों का जोड़ 180 होता है। इसके बाद जो भाई ये पीछे पिक्चर बना लेना या क्लिक कर लो, निकलवा लो। अब सरगर्मी नंबर 5 है, इसका अनुमान है तकसीम के तरीके से दिए गए नंबरों का HCF तलाश करें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मुतवक्के पस मंजर कलम, आदात का अवामिल, नंबरों की तकसीम, डिवाइड्स ऑफ नंबर यानी मकासिद यानी ऑब्जेक्ट्स। इस सरगर्मी को मुकम्मल करने के बाद सीखने वाला किसी भी दिए गए नंबर का HCF तलाश कर सकेगा। मवाद, गत्ते में 2 सेंटीमीटर चौड़ाई खाके की 5 पेटियाँ कीमती गोंद पेंसिल। सरगर्मी देखिए यहाँ पे फर्ज करेंगे हम 120 और 32 का HCF तलाश करें। 2 सेंटीमीटर चौड़ी काट कर कार्डबोर्ड की पश को लेकर 2 टुकड़े करें, लंबाई 32 और हर एक को 32 20 32 8 8 4 4 4। ये सारी बातें इसके अंदर। इसके बाद जो है मुजाहरा और इस्तेमाल, पहले 2 स्ट्रिप्स लें और 132 और 20 HCF का मतलब है 32 और 20 का सबसे बड़ा आम फैक्टर तलाश करना, यानी पट्टी का वो सबसे बड़ा लंबाई जिसकी लंबाई 32 और 20 बिल्कुल। पहली 2 पट्टियों में ये वाजे है कि लंबाई 20 सेंटीमीटर नहीं हो सकती क्योंकि 20 32 की तकसीम नहीं कर सकता। ठीक है जी, यहाँ पे करके भी दिखा। इसके बाद है सरगर्मी नंबर, पेज नंबर 21 है और सरगर्मी नंबर 6 उनवान है पाइथागोरस का नज़रिए की तस्दीक। पाइथागोरस अगर आपको नहीं आती तो आप हमसे सीख भी सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए। ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेस भी मैथ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उर्दू में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मौके पस मंजर का है, मुसलस के बारे में इल्म और मुसलस में इसकी अकसाम का मुमासलत तनासब और तजवी का ख्याल। मकसद ये, इस सरगर्मी को अंजाम देने के बाद सीखने वाला काबिल हो जाएगा कि मुसलस की दी गई तादाद से दाएँ मुसलस की शनाख्त करें। मतलूबा मवाद, पहले कार्डबोर्ड मुख्तलिफ रंगों का पेपर कलम गोंद पेंसिल रबर। इसके बाद तैयार सरगर्मी के अंदर इसमें जो है पेज नंबर दे रखा है आपको 22। पीले कागज़ काटें 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। एक तारीखी शीट पर चकोर बनाएं A+B और A है 3 सेंटीमीटर, B है 1 सेंटीमीटर और उसका नाम ABCD, ABBCCD और DA पर PQRS पॉइंट करें इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मुजाहरा है चकोर ABCD का रकबा A+B एंड A+BCD, चकोर PQRS का रकबा, कुल रकबा है ABCD PQRS का रकबा मुसलस ये दे रखा। ठीक है, इसके बाद नतीजा है ये, किसी भी दाएं मुसलस में फर्जी मुरब्बा दूसरे के 2 अतराफ के मुरब्बों के मजमे के बराबर। दाएं मुसलस के 3 अफराद की लंबाई मुसलस के तौर पर पाइथागोरस ट्रेलर कहलाती है या थ्योरम कहलाती है। इसके बाद जो है 24वां है सरगर्मी नंबर 7 और ये आखिरी सरगर्मी है दायरे का रकबा मालूम करना। मुतवक्को पस मंजर का रकबे की तस्वीर, दायरा और उसके लिए मुतालिका इस्तलाहात। मकसद है सरगर्मी का आगाज अख्ताम के बाद सीखें वाले दायरे के रकबे का सही तरीके से हवाला दीजिए। मतलूबा मवाद, मुख्तलिफ रंगों के धागे, कपास का चोड़, पेंसिल गोंद, कीबोर्ड। इसके बाद है सरगर्मी, पीले मोटे कार्डबोर्ड को काटें 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर, 15 × 15। कपास के जुड़े का इस्तेमाल करते हुए मुतहरिक सर्किट खींचें जो तस्वीर को दिखाए, जैसा कि इस हलकों पर रंगीन धाग। मुजाहरा और इस्तेमाल, मुसलस बनाए, नतीजा दायरे का रकबा, रेडियस, रेडियस है πr². तो इस तरह से जो है ये मैंने आपके सामने जो है प्रैक्टिकल तैयार कर दिया उर्दू में, वो भी उर्दू में है ये। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि उर्दू के अंदर मैथ का आपको अभी तक जो है शायद नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने इस कोशिश को अल्लाह के हुक्म से ये भी कोशिश पूरी हो गई हमारी और अल्लाह के हुक्म से ये तैयार हो गया। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के बार बार कहने से हमने कहा कि वैसे बना दिया जाए ताकि जो भी आप लोगों को परेशानी हो रही है उर्दू के रिगार्डिंग है ना, इसको खसूसी तौर पर आपका ध्यान रखते हुए प्रैक्टिकल बनाया गया। अगर आपको इस प्रैक्टिकल की PDF चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट की, प्रैक्टिकल की या नोट्स की या हेल्प गाइड हेल्प बुक की, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। उम्मीद है कि एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।